फ्रेंड्स, हमें उम्मीद आप जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। अगर आप भी दांतों के दर्द से या जो आपके दांत है ना, ये दांत फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पीले हो चुके हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान हो चुके हैं, तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी होगी, ना ही आपको वीडियो छोड़नी होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कि होता क्या है कि आप दिलबाग गुटका तरह तरह के तम्बाकू खाते हैं, तो आपको चाहिए कि उससे अपने आप का बचाव रखना होगा। आप कहते हैं होता ही नहीं है, भाई कोशिश करोगे तो कामयाबी मिलेगी, कोशिश से कहीं ना कहीं कामयाबी मिल ही जाती है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना होगा। और अगर आप चाहते हैं तो अगर आप गुटखा भी खाते तो आपको चाहिए कि हाथों हाथ उसकी सफाई करना चाहिए। अक्सर होता है क्या, बहुत से लोग गुटखा पुटका सब खाते लेकिन उसको साफ ही नहीं करते, तो भाई क्या होगा, दांत पीले नहीं तो क्या चांदी की तरह नहीं होंगे, सोने की तरह होते हैं। वो सोचते हैं हो सकता है सोना इतना महंगा हमारे दांतों में इकट्ठा हो जाएगा। बुरा नहीं मानना, ये तो एक माइंड फ्रेश करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर किसी के दांत पीले हैं तो वो बुरा ना मानिएगा। और अब बात करते हैं कि अगर आप चांदी की तरह बनाना चाहते हैं तो आप जो जिसे बोलते हैं नीम, नीम के पत्तों को पीस लेना होगा। पीस करके अगर आप लगाएंगे तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। मुँह के जो इन्फेक्शन होता है वो रिमूव होने लगता है, दांतों का जो दर्द होता है, जो कीड़ा होता है, उस आप कीड़े से बचे रहते हैं, और आपके अंदर जो मुँह की बदबू है वो रिमूव होने लगती है, और आपका डाइजेशन भी मजबूत होने लगता है। जो पेट की गर्मी होती है, जो जलन की गर्मी होती है, वो रिमूव होने लगती है। अब बात करते हैं नीम की लकड़ी की, नीम की लकड़ी को तोड़ करके अच्छी तरह से रोज़ाना आपको तरीके से अपने दांतों को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना होगा। आप रोजाना सुबह को ही नहीं कर सकते, रोजाना किसी भी टाइम हो सके 10 बार 15 बार 5 बार 3 बार, मिनिमम आपको 3 बार तो करना जरूरी है। और अगर आप 8 से 10 दिन में ही अपने दांतों को चांदी की तरह चिपकाते हैं तो आपको मिनिमम रोजाना 10 बार करना चाहिए। कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं तो लगड़ते जाते रहिए, तो आपके दांत क्लीन हो जाएंगे। और फिर आप इसको अगर ये लगड़ना पसंद नहीं करते हैं और बहुत कम टाइम ही अगर आप ठीक करना चाहते हैं, तो जो नीम की लकड़ी है उनको पीस लेना होगा, यानी कि कूट लेना होगा, कूट के पीस लेना होगा। पीसने के बाद उसका पाउडर बना लेना होगा। जब वो अच्छी तरह से उसका पाउडर बन जाता है तो फ्रेंड्स उस पाउडर को अच्छी तरह से आप अपने हाथ से, यानी कि जो फिंगर है हैंड्स की, वो हैंड की फिंगर से भी लगड़ सकते हैं, अच्छी तरह से लगड़ लेना होगा अच्छी तरह से। तो इसके इस्तेमाल से क्या होगा कि जो पस निकलता है ना, क्या बोलते हैं, खून ब्लड जो निकलता है दाढ़ मसूड़ों में से, वो निकलना बंद हो जाएगा। अब इसके जो पाउडर है नीम का, इसी पाउडर को आप फेस पर लगाएंगे तो आपके फेस के पिंपल्स भी रिमूव होने लगेंगे। और आपको रात को कड़वा तो हो सकता है, पाउडर लगा करके अच्छी तरह से सो जाना होगा, लाल रात को लगा करके सो जाना अपने दांतों में लगड़ के, ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो मुंह की बदबू होती है, जो ऐसी चीज़ें होती है गंदी, वो निकल जाएंगी और आपका दांत, लेकिन आपको अच्छी तरह से सुबह को उठ करके भी क्लीन करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर आपको जरूरी प्रेस कर लेना होगा। ओके।